देश के जो बड़े चैनल है उनका भी बहिष्कार करा जाएगा। इस चैनल एक बड़े लोग ने खरीद लिया, अडानी ने 29 चैनल को खरीद लिया गया। सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में किसानों ने एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी समेत हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने गोदी मीडिया पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने गोदी मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि गोदी मीडिया अगर इसी तरह किसानों को बदनाम करती रही तो मीडिया का बहिष्कार किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। करीब 29 चैनलों को गौतम अडानी ने खरीद रखा है और इन चैनल के जरिए दिन भर बस मोदी सरकार का प्रचार किया जाता है, और जो लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार के आगे अपनी परेशानी रखते हैं, उन्हें गोदी मीडिया चैनल बदनाम करती है। राकेश टिकैत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को केबल कटवानी पड़ेगी, नहीं तो ये टीवी चैनल ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे। फिलहाल आप भी सुनिए राकेश टिकैत का ये पूरा संबोधन। मजबूती के साथ में आंदोलन करने पड़ेंगे, आपके ऊपर बदनामी बहुत ये लगाएंगे, अगर प्रेस के लोग नहीं सुधरे और इस तरह का एलिगेशन लगाने का काम करा तो प्रेस के जो बड़े चैनल है उनका भी बहिष्कार करा जाएगा। क्या देखते हैं हम सीरियल? अब अपने घरों में सीरियल देख के और वे गलत चीजें आपको फैलाने का काम करते हैं मीडिया के लोग, क्योंकि वो मीडिया, हमने बहुत पहले कहा कि जब देश में आंदोलन चला 13 महीने कि प्रेस के ऊपर कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, 29 चैनल एक बड़े लोग ने खरीद लिया, अडानी ने 29 चैनल को खरीद लिया गया। चैनलों पर प्रचार होता है, प्रचार वो होगा जिससे सरकार को फायदा होगा। ये बहिष्कार भी आपको करने पड़ेंगे, आप अपने घर से केबल कटवाने पड़ेंगे, ये सिर्फ नफरत का बाजार गर्म करते हैं और कुछ नहीं है। इनको वोट चाहिए, ये किसान मरे, ये मजदूर मरे, ये छोटा व्यापारी यहां का खत्म हो, इनको किसी की सुध नहीं है। आदेश करो सड़कों में भी हाँ करेंगे, तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। ये एलआईयू के लोग यहां पर होंगे, ये बता दें, ये नफरत फैलाने का काम बंद करें। हमने देखा कि कल पत्रकार एक मोमडन एक मुसलमान को ट्वीट में बैठाया, ये एक साजिश रची जा रही है, क्या जाने की जरूरत है इन लोगों को? वहां पर उनके साथ में बदतमीजी करी, मारपीट वहां पर करी गई, तो ये साजिश रची जा रही है कि हम न्यूसेंस फैलावे, उनकी बेइज्जती वहां पर करें।